खान और राजू स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंट्रो कैसे बना सकते हैं। तो इस इंट्रो को बनाने के लिए हम कान मार्शल एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है और यहाँ से 16:9 को सेलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे, आप अपने डिवाइस की गैलरी में चले आएंगे। अब आपको यहाँ से एक ब्लैक इमेज चूज़ करना है, तो इसके लिए आपको इस इमेज वाले फोल्डर पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक इमेज चूज़ करना है। इमेज को सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके अराउंड 6 सेकंड तक कर देना है। देन यहाँ बैक को लेना है, उसके बाद आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना है। देन यहाँ लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। चैनल का लोगो ऐड करने के बाद आपको इसे छोटा करके यहाँ बीचों बीच प्लेस करना है और इसकी लेंथ को एक्सटेंड करके जितना बार हमारा ब्लैक वाला इमेज है इसके बराबर कर देना है। इसके बाद आपको फिर से इस प्लेहेड को ड्रैग करके स्टार्टिंग पॉइंट पर लाना है। देन यहाँ लेयर पर क्लिक करना है और यहाँ मीडिया पर क्लिक कर लेना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ से इंट्रो टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो जो इंट्रो टेम्पलेट में यूज़ करने वाला है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो टेम्पलेट को ऐड करने के बाद आपको राइट साइड में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। देन यहाँ से फुल स्क्रीन कर देना है। इसके बाद आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके कुछ इस पॉइंट पर लाना है। इसके बाद आपको राइट साइड में स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ से आपको क्रोमा की पर क्लिक कर लेना है। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद आपको इसे इनेबल करना है। जैसे आप क्रोमा की को इनेबल करेंगे, टेम्पलेट में जो ग्रीन स्क्रीन का हिस्सा है वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद आपको अपने चैनल का लोगो इसके साथ एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपने चैनल का लोगो इसके साथ एडजस्ट कर लेता हूँ। चैनल का लोगो एडजस्ट करने के बाद आपको इस प्लेहेड को ड्रैग करके कुछ इस पॉइंट पर लाना है और यहाँ से आपको लेयर पर क्लिक करना है। देन यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करना है। टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने चैनल का नेम ऐड करना है। चैनल का नेम ऐड करने के बाद आपको यहाँ राइट साइड में डबल ए वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑस्पॉट बॉल को सेलेक्ट करना है। ये फ़ोन आपको यह स्टोर से मिल जाएगा, इससे आपको डाउनलोड करना है। देन यहाँ राइट पर क्लिक करना है। इसके बाद अब हम इसके अंदर एनिमेशन ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको राइट साइड में इन एनिमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको पेड को सेलेक्ट करना है। देन यहाँ बैग को लेना है। इसके बाद अब हम इसका कलर चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको कलर वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको येलो सेलेक्ट करना है या फिर आपको जो भी कलर पसंद हो इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो इतना करने के बाद सिर्फ एक आखिरी सेटिंग बाकी है। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको वीडियो पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर वीडियो फेड आउट को इनेबल करना है और इसकी टाइमिंग को 1 कर देना है। देन यहाँ क्रॉस पर क्लिक करना है। हमारा इंट्रो ऑलमोस्ट बन चुका है। चलिए मैं इसे एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो इंट्रो बनवाने के बाद इंट्रो को सेव करने के लिए आपको यह अपलोड करने पर क्लिक करना है। हाई क्वालिटी में सेव करने के लिए आपको 1080p को सेलेक्ट करना है, बिट रेट को हाई रखना है। देन यहाँ सेव हिज वीडियो पर क्लिक कर लेना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ज़िंदगी रही तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।